वेलकम टू ऑश इंडिया। ये हमारा 10वां एडिशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी शो का। ये हमने बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया था नेहरू सेंटर में अराउंड 40 एग्जिबिटर्स से, लेकिन ये जो एक 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 मोमेंटम है, बिकॉज ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो मिशन है तो ये मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। एंड ये साल हमको सबसे बड़ा ऑश शो जो हमने कर रहे हैं यहाँ पे नेस्को में गोरेगांव में टू डे शो है, विच इज़ ओवर 160 एग्जिबिटर्स, 200 प्लस ब्रांड्स, अराउंड 20% इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी आए हुए हैं ये शो में। सो एक नई इसमें आई वुड से इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोमेंटम एंड क्रांति जो देखी जा रही है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के डायरेक्शन में हो रही है। एंड स्पेशली ये दो साल में जो पैंडेमिक के थे उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो ये सारे एग्जिबिशन में अभी आपको देखने मिलेंगे। आज हमारे यहाँ पे इनॉग्रेशन में डिश महाराष्ट्र थे, अभी डिश फ्रॉम कर्नाटका है जॉइंड फॉर द शो, तो दे आर ऑल्सो वेरी प्रीटी प्लीज विद अस सीइंग द प्रोडक्ट्स। मैं अभी उनके साथ ही राउंड लेके आ रहा हूँ और जो इम्प्रेसिव लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। सो एनीथिंग एंड ये हेल्थ एंड सेफ्टी देखा जाए तो हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैरिटाइम में हो, माइनिंग में हो, सो ये इट कट्स अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री। सो ये एक शो है जहाँ पे आपको विजिटर्स सारे इंडस्ट्री से आएंगे। इन दो दिन में हम एक्सपेक्ट अराउंड 7,000 to 8,000 विजिटर्स आने वाले हैं जो बिजनेस से ट्रेड से रिलेटेड है ये शो में। सो ये साउथ का जो शो है वो ओनली फॉर साउथ इंडिया मार्केट है, बट ये जो मुंबई का शो है ये पैन इंडिया शो है, तो यहाँ पे सारे इंडिया से विजिटर्स आते हैं। 160 प्लस कंपनीज है यहाँ पे। सो ये शो यहाँ पे आपको हार्ड हैट से हेलमेट से लेके ग्लव्स से लेके आपका जो भी सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स है आपके स्कैफोल्डिंग से लेके सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको देखने के लिए एक ही शो फ्लोर पर। एब्सोल्युटली आई थिंक फैबुलस। आई थिंक अराउंड ओवर 20,000 प्लस फ्री रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं ये शो के लिए, 20,000 से ज़्यादा। इनफैक्ट ये साल में ही हमारे आज शाम को ऑश अवार्ड्स है जो 8वीं एडिशन के हैं। सो सारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इनोवेशंस है और जो हीरोज़ हैं उनको आज शाम को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी जो हो रहा है, दो दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे सारे टॉपिक्स पे बातें हो रही है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट ईयर जो हम लोग आ रहे हैं ये और बड़ा होने वाला शो, ये 3 दिन का शो हो रहा है। बिकॉज सुनाई नहीं दे रहे बताइए, यही करना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो अभी एग्जीबिशन बैठा हुआ है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर से जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को श्रेष्ठता देने के लिए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। तो दर्शकों को ये जानकारी जाने में अच्छी हो जाएगी कि भारत में बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, और अधिकतर यहाँ पे जो एग्जीबिटर्स हमारे मित्र जो एग्जीबिट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिटर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उनको यहाँ देखने के लिए वो बहुत सुविधाकारक रहेगा कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी खुद की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। कोविड के बाद खास करके देश में सेफ्टी का इस्तेमाल करना या सेफ्टी की जानकारी बहुत बढ़ चुकी है। एक ही समस्या है यहाँ पे कि लोगों को जानकारी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा है लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि मैं क्या उपलब्ध कर सकता हूँ। कोविड के टाइम लोगों को मालूम था कि मास्क इस्तेमाल करना है लेकिन किस किस्म का मास्क इस्तेमाल करना है ये जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पर वो जान जाएगी। लोगों को मालूम है कंस्ट्रक्शन में हेलमेट इस्तेमाल करना है लेकिन अलग अलग हेलमेट अलग अलग क्षेत्रों के लिए है, या अलग अलग आँख के प्रोटेक्शन या अलग अलग ड्रेस जो है ये सब चीज़ अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीज़ बनती है, ये लोगों को और दर्शकों को मालूम नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। हम ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग आएंगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये एग्जीबिशन को जानने के लिए कि यहाँ के जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं इनकी दिक्कतें क्या है, जिससे कि वो अधिक से अधिक दर्शकों को और लोगों के पास ले जाए।